अश्विनी, अश्विनी मेजबानी में आप सबका स्वागत है। गणेश चतुर्थी स्पेशल चॉकलेट मोदक बहुत फटाफट और बहुत इजी और सिंपल तरीके से बनाएंगे। सब लोगों को चॉकलेट बहुत पसंद आती है, तो बच्चों के बहुत फेवरेट होती है चॉकलेट मोदक, तो सबको बहुत पसंद आएगी। तो बहुत कम टाइम में और बहुत टेस्टी डिलीशियस ये चॉकलेट मोदक बनेंगे, तो आइए हम बनाना शुरू करें। चॉकलेट मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ कंपाउंड चॉकलेट लिया है, 250 ग्राम है। मैंने इसे बारीक कर दिया है। चॉकलेट मोदक बहुत इजी है और सबको बहुत पसंद आते, तो अभी मैं इस चॉकलेट को मेल्ट कर देती हूँ। यह मैंने पानी बॉयल करने के लिए रखा है, इसके ऊपर मैं रख दूँगी छलनी और इसमें हम रखेंगे ये हमारा चॉकलेट वाला बाउल। तो इसमें ये छलनी रखने से हाँ हमारी चॉकलेट में पानी नहीं जाएगा, तो अभी हम ये जल्दी से मेल्ट हो जाता है, तो मैं इसे मेल्ट कर देती हूँ। मैं इसे एक स्पून से चलाती रहूँगी, ये थोड़ी देर में मेल्ट हो जाती है। ये मेल्ट होना शुरू हो गई है, तो इस तरह से ये हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है और बहुत फटाफट हो जाती है। पर एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें पानी बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, पानी जाने से हमारी चॉकलेट हार्ड हो जाती है। तो अब ये हमें गैस की फ्लेम ऑफ करनी है। देखो इस तरह से ये अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अभी हमारे पास एक मोदक मोल्ड, तो इसमें हम चॉकलेट को सेट करेंगे। मेरे पास ये स्प्रिंकल्स है जो कि केक डेकोरेशन के काम आता है, गोल्डन कलर का है। तो सब मोल्ड में मैं दो चार इसके दाने डाल दूँगी, तो इससे ना मोदक में अच्छा लुक आएगा। और एक स्पून से अभी हम ये चॉकलेट इसमें फिल कर देंगे इस तरह से। और मैंने ड्राई फ्रूट कट करके लिए है काजू और बादाम, आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हो। तो हम इसमें डाल देंगे थोड़े थोड़े पीसेस, तो जब ये खाते टाइम चॉकलेट मोदक इसका क्रंच बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से हम ये पूरा मोल्ड फिल कर देंगे इस तरह से ही, और सब में डालते रहेंगे ड्राई फ्रूट्स। इजी भी है और बहुत टेस्टी भी लगते हैं, और चॉकलेट तो सबका फेवरेट होता है, और जो छोटे से छोटा बच्चा भी ये चॉकलेट मोदक अच्छे इजीली बना पाएगा, क्योंकि ये बहुत इजी है। इसमें कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं है, ना ज़्यादा मेथड हार्ड मेथड है, ये बहुत इजी तरीके से बनते हैं मोदक। तो इस तरह से सब में मैं फिल कर दूँगी और बहुत फटाफट हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक तरफ आप गणेश पूजा करना शुरू कर दो और दूसरी तरफ मोदक बनाना, तो ये मोदक जब तक आपकी पूजा ख़त्म हो जाएगी तब तक आपके मोदक सेट हो जाएंगे। तो इस तरह से सब में मैंने कर दिया है फिल, आप सब में मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट्स। इस तरह से मैंने सब में ड्राई फ्रूट भी ऐड कर दिया, बस हमें इसे अच्छे से प्लेन कर देना है। जल्दी चाहिए आपको तो आप इसे फ्रिज में सेट कर सकते हो, वरना ऐसे ही छोड़ने से ये हवा में भी इस तरह से सेट हो जाते हैं अच्छे से। बाहर छोड़ने से थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर फ्रिज में जल्दी सेट हो जाते। तो मैं इसी तरह से ऐसे छोड़ दूँगी, और जो बाकी का चॉकलेट है उसी का भी मैं इसी तरह मोदक बना के ले लूँगी। देखो हमारे मोदक सेट हो चुके हैं, अभी हम इसे डीमोल्ड कर देते हैं। तो ये सिलिकॉन में बहुत ईजी हो जाता है, तो इस तरह से। और जो हमने ये केक पे जो स्प्रिंकल डालते हैं वो डाला था गोल्ड कलर का, तो इससे भी देखो कितने बढ़िया लग रहे। तो मोदक डीमोल्ड कर लेती हूँ और जो बाकी हमारा चॉकलेट बचा है उसको इसमें सेट कर देती हूँ। तो इस तरह से ही हमारी पूरी अच्छे से मोदक बन के रेडी है। जो चॉकलेट हमारा बचा था उसको अभी मैं सेट कर लेती हूँ। बहुत फटाफट और ईजी और कम टाइम में हमारे ये मोदक बन जाते, और ये बहुत दिन तक चलते हैं। आप इसे एक बार बना के स्टोर कर सकते हो, ये जल्दी से ख़राब नहीं होते। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आप बेस तरह से ये टेस्टी और डिलीशियस चॉकलेट मोदक ज़रूर ट्राई करना। बहुत कम टाइम में और बहुत सारे मोदक रेडी हो जाते, छोटा बच्चा भी ये मोदक बना पाएगा, इतने ईजी और आसान तरीके से ये मोदक बन जाते। बच्चों के तो बहुत फेवरेट होते हैं चॉकलेट मोदक।
चॉकलेट मोदक सबको बहुत पसंद आते हैं, तो बहुत टेस्टी और कम सामान में हमारे ये मोदक बन के रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करना। हम फिर मिलेंगे नई सिंपल टेस्टी और स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।